to my channel guys and welcome to another episode of guys isse pehle aap ye socho kya meri dadi itni kyu badi hui hai main reason bata deta hu main aaya hu vacation pe so maine meri dadi bada di lekin guys as I promised main video banata rahunga aur aapko cruise ke bare mein knowledge deta rahunga so aaj ka video main banane ja raha hu kitchen stewarding pe rightly so bahut sare logon ne mere comment mein ye mention kiya hai please make a video on kitchen stewarding because बहुत सारे इंडियन किचन स्टूअर्डिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आज का वीडियो मैं इस बारे में बताऊंगा किचन स्टूअर्डिंग होता क्या है ये डिपार्टमेंट में और अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं और इनको प्रमोशन कब मिलती है इनकी सैलरी क्या होती है और इनका काम क्या होता है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो वेल गाइस किचन स्टूअर्डिंग में तीन डिपार्टमेंट होते हैं सबसे पहले आता है डिश वॉश उसके बाद आता है पॉट वॉश और उसके बाद में आता है गैली क्लीनर सो ये तीन डिपार्टमेंट होता है अभी डिश वॉशरों का काम जैसा नाम डिफाइन करता है इनका काम होता है डिशेस धोना जैसा हो गया प्लेट्स ट्रेज बाउल्स जितने भी स्मॉल यूटेंसिल्स है जैसे कटलरीज ये सब उनका धोने का काम होता है उसके बाद आता है पॉट वॉश पॉट वॉश लिटिल थोड़ा हैवी साइड में होता है इसमें आपको बड़े बड़े बर्तन धोने पड़ेंगे जिसमें खाना बनता है गाइस एक बात सोच लीजिए शिप पे 5-5, 6-6 हज़ार लोग रहते हैं तो उनके लिए जब खाना बनता है तो बड़े बड़े बर्तनों में बनता है तो ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं और इन्हें धोना पड़ता है पॉट वॉश को नॉट द डिश वॉशर पॉट वॉश के लिए अलग सी मशीन होती है मैं वो इस वीडियो में बताऊँगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है गैली क्लीनर गैली क्लीनर का काम मोस्टली जितना मैंने देखा है इनकी जितनी भी ड्यूटी होती है वो नाइट शिफ्ट होती है गैली क्लीनर का मतलब है जब सारे लोग खाना बना के हो जाता है रात का जब किचन बंद होता है इनका काम होता है गैली को क्लीन करना सो दे आर कॉल्ड एज गैली क्लीनर अब बात करते हैं इनकी रैंक की ये सब की रैंक एक ही होती है अगर आप डिश वॉशर के लिए सिलेक्ट होते हो पॉट वॉश के लिए या गैली क्लीनर के लिए आपको एक ही सैलरी मिलती है ऐसा नहीं है क्या ऊपर नीचे होती है इट्स अ सेम सैलरी तीसरी बात आती है अगर आप सिलेक्ट होते हो गैली क्लीनर डिश वॉशर और पॉट वॉश के लिए किसी एक के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा एटलीस्ट आपको दो कॉन्ट्रैक्ट निकालने पड़ेंगे ईजिली जब तक आपको प्रमोशन नहीं मिल जाता है तो दो कॉन्ट्रैक्ट आपको निकालने ही पड़ेंगे फिर जाके आपको प्रमोशन मिलता है वो भी आपके काम के ऊपर सो ऐसा नहीं है कि आपने डिश वॉशर में सिलेक्ट हो गए तो आपको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है सो ये तीनों का जो जॉब प्रोफाइल है वो सेम होता है सेम सैलरी होती है और कुछ अलग नहीं होता है बात करेंगे इनकी सैलरी के बारे में इनकी सैलरी कितनी होती है गाइस इनकी सैलरी बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और शिप पे अगर लोग सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो यही डिपार्टमेंट है गैली स्टूअर्डिंग बट द सैलरी इज़ वेरी लेस सो अगर आप मुझसे पूछोगे इनकी सैलरी कितनी है अभी जो मैं शिप पे था तो इनकी सैलरी अराउंड $500 है नॉट इवन $500 शायद से उससे भी कम होगी बट $500 आप पकड़ के चलिए तो आप $500 तक कमा सकते हो अगर आप किचन स्टूअर्डिंग में काम कर रहे हो ठीक है गाइस और एक और बात है अगर आप मुझसे ये पूछोगे वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में कि विच डिपार्टमेंट इज़ बेटर टू वर्क फॉर अगर डिश वॉशर पॉट वॉश या गैली क्लीनर मैं सजेस्ट करूँगा गो फॉर अ गैली क्लीनर उसका अपना अलग फ़ायदा है एज अ गैली क्लीनर वर्क करने का क्योंकि सबसे पहले वो रात में काम करते हैं दूसरी बात वो टीम में काम नहीं करते वो अकेले काम करते हैं तीसरी बात है क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है तो डे में उन लोग को पूरा टाइम मिलता है सोने का और सबसे बड़ी बात बाहर जाके घूमने का क्योंकि डिश वॉशर जो काम करते हैं वो डे में काम करते हैं जब शिफ्ट डॉक होती है तो वो काम करते रहते हैं उनको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है बट गैली क्लीनर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता सो अगर आप मेरी मानो तो गैली क्लीनर इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट यू कैन वर्क फॉर सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए गाइस बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ अगर आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए